भाइयों, कल जो सरकार ने कराया पहलवानों के साथ और जो भी हमारी बहनें पहुंची हुई थी उनके साथ, ये बहुत माड़ा हुआ है। पर एक सॉल्यूशन है, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ने मान लियो, सारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। किच्चे धर्म धक्के खाने की जरूरत नहीं रहेगी। जो दुश्मन है ना, वो धर्म के ऊपर खेल रहा है और धर्म की आड़ ले रहा है। और दुश्मन जो है, उसका जो धर्म है ना, वो मंगन खनिया का धर्म है। इस धर्म में तुम धोख मारो हो, इस धर्म के तुम डंडे ठा रहे हो। जो धर्म थारे कदे काम नहीं आया, अर्जुन सा धर्म हमेशा थारे काम आया। जिस धर्म में हमेशा कमाणिया खनिया की इज्जत है, वो सिख धर्म जो है ना, उस माने की तुम घोषणा कर दो। जो हमेशा तुम्हारा साथी रहा है, थारी गेल खड़ा है, पूरा पंजाब थारी गेल खड़ा है, तुम न्यू कह दो भाई हम इसने छोड़े हैं। जो धर्म हमारे कदे काम नहीं आया, और हमारे हैं सरदारा में, हम सरदारा मिल लेंगे। हमारे हमारी दादी भी कौर थी, हमारा दादा भी खंडवा बन दिया करता। हम अपने असली धर्म मारे हैं, मूछ दाढ़ी रखेंगे हम ये मूछ कटे नहीं रोएंगे, मूछ मुंडे नहीं रोएंगे, हम केश बढ़ाएंगे और हम गुरुद्वारों में जो है माथा टेक क्या करेंगे। तुम सरदार बनने की घोषणा करो। सारे पहलवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तुम सरदार बनने की घोषणा करो। सरकार जो है वो एक पांव पे आकर खड़ी हो जाएगी, सारी सारी डिमांड मांगेंगी, मानेगी सरकार। ऊ धर्म धक्के खाने का कोई फायदा नहीं। गुरुद्वारा में आओ मेरे भाइयों, गुरुद्वारा माथा टेको। और कहो भाई हम बन गए हैं सरदार, यही एकमात्र सॉल्यूशन है। जो दुश्मन है उसकी जान जो है वो तोते में है, और धर्म इनका तोता है, इस दुश्मन का, इस राक्षस का तोता है धर्म। तो जब तक तुम सरदार नहीं बनोगे और जब तक तुम अपने मूल धर्म में वापस नहीं आओगे, समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। कट्ठे रल मिलकर लड़ाई तुम्हारी लड़ी जाएगी। तुम सरदार बन गए, मैं भी सरदार बनया मेरे भाइयों। जाट आरक्षण की लड़ाई में मैं भी 4.25 साल जेल में रहा। मन ने तो उड़िया है बात समझ माई कि भाई नहीं।